तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने नेवी एसआर और नेवी एमआर के एस्पिरेंट हैं। लगातार आप फॉर्म फिलिंग किए 28 दिसंबर तक, डेट पे डेट बढ़ती रही, 17 के बाद 25 दिसंबर, फिर फाइनली 28 दिसंबर। तो फाइनली फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चे जो लगातार कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं आकर के जो है बहुत सारे डाउट्स एंड संशय जो है आपके क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखने की कोशिश करिए और कोशिश करूंगा तेजी के साथ आपको सारी बातें मैं समझा सकूं। और इस वीडियो को शेयर भी करिए सारे फ्रेंड्स के साथ जो नेवी लवर हैं और वाकई में नेवी में जाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि नेवी का भी अब ऑनलाइन का कारवां शुरू हो चुका है। अगर ये कारवां शुरू हो चुका है तो आपको भी अपनी सफलता इंडियन नेवी में 100% सुनिश्चित करनी है। और इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि टाइम टू टाइम सारी सटीक अपडेट आपको यहीं से मिलती है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे तेजस बैच से नहीं जुड़े हैं, जो कि यूट्यूब का स्पेशल बैच है जो कि चलता ही है एमकेसी नेवी एयरफोर्स आईसीजी क्लासेस के नाम से, एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस के नाम से, बिल्कुल इस चैनल को जाइए फटाफट यूट्यूब पे जाके टाइप करिए बेटा एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस, बिल्कुल ये चैनल पाएंगे आप, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। ये चैनल देश के हर नेवी और एयरफोर्स और आईसीजी एस्पिरेंट का ये चैनल है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल से जुड़ना आपकी जिम्मेदारी है। और डेली सुबह 7 से 11 वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया के, जहां मधुर सर, जहां आजाद सर, अभिषेक सर, विकास सर और रवि सर, पांचों धुरंधर और योद्धा आपके सामने जबरदस्त तरीके से होते हैं डेली सुबह 7 से 11। आइए जबरदस्त के सेशन का हिस्सा बनिए, आप बेहतर महसूस करेंगे। तो ये चैनल फिर से मैं कहना चाहता हूं हर नेवी का चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बगल में आपको चीजें दिखाई भी दे रही हैं। चलिए अब फटाफट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी डिटेलिंग का, जो कि फॉर्म कितने भरे गए, क्या डिटेलिंग है, क्या स्टेज वन में ध्यान रखना है सर इस बार, स्टेज टू में किस तरह का रिटन एग्जामिनेशन है सर, उसमें क्या आएगा, किस तरह से आएगा, और सर स्टेज थ्री हमारा क्या होगा, सारे पहलुओं को क्लियर करते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना आपका जरूरी है। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। नेवी एसआर एमआर का फॉर्म फिलिंग 8 दिसंबर से लेकर 17 तक था, फिर बढ़कर 25 हुआ, फिर बढ़कर जैसे आपको पता है कि लगातार मैं अपडेट देता ही रहा आपको, 28 दिसंबर तक ये डेट गए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब कैंडिडेट नेवी एसआर और एमआर दोनों को साथ में अप्लाई करने का मौका दिया गया। अमूमन एसआर अलग था और एमआर अलग था, बट इस बार ओपनली नेवी के वेबसाइट पे अपडेट आई बच्चा कि एसएसआर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एमआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों ने जम के इसका फायदा उठाया और ये फायदा बिल्कुल देखने को मिला है, जब मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इस बार नेवी एसआर एमआर कैंडिडेट्स ने रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेशन फिल किया है। टोटल अगर कितने फॉर्म फिल इस बारे में बात करें तो नेवी एसआर में लगभग 2,80,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, वहीं नेवी एमआर के लिए बात करें तो लगभग 3 लाख बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिल किया। अब 3 लाख के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एसआर और एमआर दोनों में ही फॉर्म फिल कर दिए, उनकी संख्या की बात करें लगभग 2.5 लाख के बराबर उनकी संख्या आती है जो दोनों में ही अप्लाई कर दिए हैं। तो अगर मोटा मोटा हम देखें तीनों कैटेगरी में लगभग कितना अप्लाई हुआ है तो 7.5 लाख बच्चा जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। दैट मीन अगर इतनी ज्यादा संख्या में बेटा फॉर्म भरा गया है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भी थोड़ा हाई जाने वाली है और ऑब्वियसली एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपसे एक बेहतर एक्सपेक्टेशन की जाएगी और ऑब्वियसली इस बार कट ऑफ भी हाई रहेगा, ये मैं क्लियरली आपको बात कर देना चाहता हूँ। स्टेज वन में तो बिल्कुल आपको क्लियरिटी है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना है जो कि ऑनलाइन पैटर्न पे आपका होगा, जिसमें एसआर के बच्चों को पता ही है क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स का टाइम होंगे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, आपका साइंस है, आपका इंग्लिश है और आपका जीएस का पार्ट है। एमआर में बच्चे जानते हैं कि पहले पार्ट में मैथमेटिक्स एंड साइंस है, सेकंड में आपका जीके है, जिसमें बच्चों को मेन टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है क्योंकि 50 क्वेश्चन 30 मिनट और वहां 100 क्वेश्चन 60 मिनट। तो ये बड़ा समझने का विषय है कि बिल्कुल शार्प नेवी ओरिएंटेड आपका काम होना जरूरी है। दैट मीन आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएं वो नेवी ओरिएंटेड हो, आपको जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाए वो नेवी ओरिएंटेड हो। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस ने अपने तेजस बैच के माध्यम से ये चीज प्रूव की है बेटा। तो फटाफट आइए इसका हिस्सा बनिए, जबरदस्त एवरीडे आपका कॉन्सेप्ट क्लास यूट्यूब पे है, आपका डेली प्रैक्टिस क्लास, दैट मीन डिट्टो वही क्वेश्चन जो नेवी में आने वाले हैं एसआर में भी और एमआर में भी, वो बिल्कुल धुआंधार ऐप पे हम करा रहे हैं बेटा। स्पेसिफिक पूरी आरएनडी टीम लगी है 300-400 लोगों की जो काम करके उन क्वेश्चंस को तैयार कर रही है और ऐप पे जबरदस्त हम उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप पे हम डेली टेस्ट प्रेप ऐप पे लगातार आपके मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं, दैट मीन कॉन्सेप्ट का, प्रैक्टिस का और मॉक का। दैट मीन कॉन्सेप्ट आपका यूट्यूब पे है, प्रैक्टिस आपका एमकेसी लर्निंग ऐप पे है और मॉक आपके टेस्ट प्रेप ऐप पे, तीनों का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है बेटा जो वाकई में आपको रिजल्ट के करीब ले जाएगा। ऑफलाइन भी बच्चे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, एसआर के ही बच्चे और एमआर के ही बच्चे, और वैसे ही ऑनलाइन भी बच्चे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं केवल एक ही उद्देश्य से कि इस बार बहुत इंतजार किया सर 2 साल, किसी भी कीमत में हमें बेहतर रिजल्ट क्रिएट करना है। और उस बेहतर रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए एमकेसी ने दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म हो,
टेस्ट प्रेप ऐप का प्लेटफॉर्म हो या एमकेसी का ऑफलाइन का प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म से हम बेहतर कर रहे हैं और एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से आपको बेहतरीन बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके नेवी ओरिएंटेड क्वेश्चंस बच्चे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेज वन को लेकर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अहम और सबसे बड़े डाउट की तरफ जो स्टेज टू को लेकर है। स्टेज टू में बहुत ज्यादा डाउट आ गया कि सर इस बार नोटिफिकेशन में बताया गया कि सर स्टेज टू में एक रिटन एग्जाम भी होना है। अब सब कैंडिडेट यही सोच रहे हैं सर स्टेज वन रिटन एग्जाम एक प्रोसेस तो पता है बट स्टेज टू का जो रिटन एग्जामिनेशन है इसका प्रोसेस क्या है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। कैंडिडेट इस बार स्टेज टू के रिटन टेस्ट में कोई एकेडमिक टेस्ट नहीं बल्कि आपके आईक्यू का टेस्ट किया जाएगा। आईक्यू टेस्ट में दो चीजें मुख्यता है, एक तो रीजनिंग टेस्ट है और दूसरा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। दैट मीन आपसे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे। मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर आपको इस सेगमेंट में भी हम बेहतर बनाएंगे और इनके जो स्पेशल क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को भी हम बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, लर्निंग ऐप पे हो या फिर ऑफलाइन क्लास में, दिनों ही प्रोस्पेक्ट से इस सेगमेंट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसको बिल्कुल कॉमन समझ लो कि जैसे एक एयरफोर्स में एक बार डीएफटी जैसा फॉर्मेट आया था उसी तरीके का कुछ फॉर्मेट स्टेज टू में रिटन टेस्ट का यहां है, बट ये सिंपली आईक्यू टेस्ट है जिसके अंदर रीजनिंग और इंग्लिश को ही लेकर के वैल्यू दिया गया है। तो एस्पिरेंट फॉर्म फिलिंग हो चुका है और ऑब्वियसली अब प्रिपरेशन की बारी है। मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि ये भी डाउट क्लियर हो गया, स्टेज वन क्या हो गया, स्टेज टू क्या हो गया, स्टेज थ्री आपको पता ही है कि आपको अपने फिजिकल से गुजरना है, मेडिकल से गुजरना है। हर प्रोस्पेक्ट पे अगर इस देश में सब कुछ बेहतर देखते हो बेटा तो मेजर तुलसी ही है जो आपको बेहतरीन रिटर्न भी कराएगा, बेहतरीन फेज टू में जो आपका एक आईक्यू टेस्ट है उसकी भी प्रैक्टिस हम कराएंगे, बेहतरीन फिजिकल भी हम आपको कराएंगे, बेहतरीन बच्चा मेडिकल भी आपको कराएंगे, क्योंकि मेजर तुलसी हेल्थ केयर सेंटर भी देश का इकलौता सेंटर है जो आपको प्री मेडिकल फैसिलिटी देता है और ठोक के देता है और प्रॉपर हॉस्पिटल है। वहां प्रॉपर हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए जाते हैं वैसे ही हॉस्पिटल यहां पे भी है बच्चा जो प्रॉपर मेडिकल के लिए। तो हाइट वेट मेडिकल नहीं है बेटा, मेडिकल एक पूरा प्रोसेस होता है जो केवल आपको मिलेगा मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर पे। तो अगर रिटर्न से लेकर के फेज टू के रिटर्न टेस्ट से लेकर के फिजिकल से लेके मेडिकल तक की कंप्लीट जर्नी, दैट मीन एक आम छात्र से आईएनएस चिल्का तक जाने की जो कंप्लीट जर्नी तय कराता है वो केवल मेजर कल्सी क्लासेस है। तो बेटा बस आपको डिसाइड करना है, कहीं भटकाव ना करते हुए मेरे जितने भी महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के, केरला के, यूपी के, बिहार के, एमपी के, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, जम्मू के, एमपी के, साथ ही छत्तीसगढ़ और हमारे जो है झारखंड के जितने ही बच्चे, मैं सबको कहना चाहता हूं बेटा कि ये बहुत अहम टाइम है। फॉर्म भरना जो होना था वो हो गया, अब फटाफट बैग पैक करो, एमकेसी का हिस्सा बनो या ऑनलाइन जैसा कि मैंने बताया कि एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसीजी हमारा यूट्यूब चैनल जरूर जुड़िए। कोई भी गरीब बच्चा या कोई भी बच्चा हो ये नहीं कह सकता कि सर मैं नेवी जाने का सपना नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि एमकेसी ने डिसाइड कर लिया है आपको हर वो स्पेशल टीम देने का, हर वो स्पेशल चैनल देने का, हर वो स्पेशल व्यवस्था देने का जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। तो फिर इंतजार किस बात का, प्रहार होना चाहिए, एमकेसी के साथ जुड़िए और फाइनली नेवी में अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करिए। 10 फरवरी के बाद आपके एग्जाम शेड्यूल्स हो जाएंगे, तो बिल्कुल अभी इंतजार नहीं, अब बेटा फोकस्ड पढ़ाई की जरूरत है। फॉर्म हो गया, अब लगिए, पढ़िए और बेहतर करिए। और किसी भी तरह के डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर या हमें व्हाट्सएप करें 9696220022 पर, दोनों ही माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हर तरह के क्वेरी एंड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी तक एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसीजी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से गुड लक, जय हिंद, जय भारत।